हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद देर रात करीब 11:30 बजे सीबीआई और ईडी की टीम चिदम्बरम की तलाश में दिल्ली के जोरबाग इलाके में उनके घर पहुंची, लेकिन चिदम्बरम अपने घर पर नहीं मिले, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने बाहर नोटिस चिपका दिया। नोटिस में चिदम्बरम को 2 घंटे के अंदर सीबीआई के सामने पेश होने को कहा गया था, लेकिन चिदम्बरम सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। रात 11:30 बजे सीबीआई और ईडी की टीम दूसरी बार उनके घर पहुंची थी। उससे पहले मंगलवार शाम करीब 7 बजे भी टीम ने उनके घर पर छापेमारी की थी, लेकिन वो नहीं मिले। चिदम्बरम का मोबाइल फोन भी बंद बताया गया है। आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदम्बरम के बेटे कार्दी चिदम्बरम जमानत पर बाहर हैं। आईएनएक्स मीडिया केस में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद पी चिदम्बरम मुश्किल में फंस गए हैं। 115 जोरबाग में वो रहते हैं और यहाँ जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद सीबीआई की टीम पहुंची और प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची उनकी तलाश में, लेकिन पी चिदम्बरम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ नहीं पहुँचे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ में पी चिदम्बरम सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई है, उसकी सुनवाई होने वाली है, लेकिन एक बड़ा झटका लगा है पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर दिया। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें किसी तरह की राहत मिलती है कि नहीं। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। इस वक्त हम खड़े हैं जोरबाग में पी चिदम्बरम के घर के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि सीबीआई ने एक नोटिस चिपका करके गई है। ये नोटिस जो है क्लियरली ये कहता है कि इस नोटिस के रिसीव होने के बाद 2 घंटे के अंदर इनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है। दिल्ली हाईकोर्ट में पी चिदम्बरम की एंटीसिपेटरी बेल प्ली की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया है और पी चिदम्बरम के ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। उसके बाद ही सीबीआई की एक टीम सबसे पहले शाम में यहाँ पे पी चिदम्बरम के घर आई थी, जहां पर उन्होंने पाया कि पी चिदम्बरम यहां पे नहीं है। उसके बाद दूसरी टीम 2 घंटे बाद आई है और तीसरी टीम जो है 11:30 बजे आई थी, वो समन लेकर के आई थी। जब परिवार वालों ने या उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स जो यहां रहते हैं, उन्होंने जब ये नोटिस एक्सेप्ट करने से मना किया, तब सीबीआई की जो टीम है जो अपने साथ एक इंडिपेंडेंट विटनेस लेकर के आई थी, उसके सामने इस नोटिस को बाहर चिपकाया है, जिसका ये मतलब है कि सीबीआई की टीम जो है वो पी चिदम्बरम से कोशिश कर रही थी संपर्क करने की। वो कोशिश कर रही थी कि उनको ये बताना है, उनको ये इत्तला करना है कि आपको 2 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है, लेकिन वो फिर भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर पाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है, जिस पर आज सुबह सुनवाई होगी। अगर कोर्ट का फैसला चिदम्बरम के हक में नहीं आता तो उनकी गिरफ्तारी संभव है। आईएनएक्स मीडिया मामला 2007 का है, जब UPA-1 के समय चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। उसी बीच पी चिदम्बरम पर आईएनएक्स मीडिया को फायदा पहुंचाने का आरोप है। पी चिदम्बरम के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया और इसे चिदम्बरम को अपमानित करने की साजिश बताया। चिदम्बरम साहब के घर पे पहले सीबीआई गई, खाली हाथ लौट गई, फिर ईडी वहाँ पर डेरा डाले हुए है, कहाँ है चिदम्बरम साहब? जहाँ तक बेल है वो अधिकार है हर नागरिक का, और कोई एक्सेप्शन हो, विशेष कारण हो, उसी पे जमानत को नामंजूर किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगी है, उनके वकीलों ने लगाई है, कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंह भी ने, SLP भी फाइल हुई है। तो कैसी ये हबड़ा दबड़ी क्यों, की परेशानी क्यों है? ये तो अपमानित करने का तरीका है। ये दुख की बात है, कोई ऐसा कारण नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इसमें इंतजार ना करें एजेंसी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पी चिदम्बरम पर हो रही कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ करार दिया। अदालत में कौन जीतता है और कौन हारता है वो बात की बात है, लेकिन अभी तो उनको बेल, एंटीसिपेटरी बेल मिलना चाहिए। हमने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो 3 दफ़ा प्रधानमंत्री बने, उनका रोल भी देखा है,
तो इस तरह की विच हंटिंग नहीं होती थी। इस तरह अपोजिशन के पीछे उनको पॉलिटिकली और दूसरे तरीके हर तरीके से उनको ख़त्म करना, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और भारत की जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, उसके खिलाफ भी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर पी चिदम्बरम पर हो रही कार्रवाई को बदले की राजनीति बताया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, भारत अब तक के सबसे खराब बदले की राजनीति का गवाह बन रहा है। ये मोदी सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी एक पुलिस राज चलाती है। जज ने फैसला 7 महीने के लिए सुनाया था और इसके पूरा होने से 72 घंटे पहले CBI और ED को रेड के लिए सम्मानित पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम के घर भेज दिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से बौखलाया पाकिस्तान जितने हाथ पैर मार रहा है उसे उतनी ही पटकनी लग रही। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान को एक और झटका लगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फटकार के बाद पाकिस्तान की बोलती भी बंद हो गई, जिसकी बुनियाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत से रख दी गई। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई ये बातचीत करीब आधा घंटा चली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने साफ कहा कि कुछ नेता भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं जो शांति के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही कहा जो भारत हमेशा से कहता आ रहा है कि शांति के लिए आतंक फैलाना बंद करने की जरूरत है और बिना किसी शर्त के दूसरे देशों में आतंक फैलाने की कोशिशें बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच की बातचीत दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों पर हुई, बाकी दुनिया से जुड़े मसलों पर हुई, लेकिन पाकिस्तान पर केवल इतनी ही बातचीत हुई। लेकिन पाकिस्तान की हालत खराब करने के लिए इतना ही काफी था, क्योंकि दुनिया भर में किरकिरी करवा चुके पाकिस्तान के नेता अब आपाक हो चुके हैं। पाकिस्तान के सामने जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो वो खुलकर अपने दहशतगर्दी के मिशन को आगे बढ़ाने और जहर फैलाने में जुट गया। लेकिन ट्रंप से हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत के बाद उसकी बोलती जरूर बंद हो गई, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई बातचीत के फौरन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन किया। सूत्रों के मुताबिक बातचीत में ट्रंप ने इमरान खान को कड़ी फटकार लगाई और दो टूक कहा कि कश्मीर पर रोना अब बंद होना चाहिए। ट्रंप ने इमरान को इलाके में शांति का माहौल बनाने की कोशिश करने की भी सलाह दी। अमेरिका वही मुल्क है जिसे पाकिस्तान बड़ी उम्मीद से देख रहा था। सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मामले पर सुनवाई से पहले भी खुद इमरान ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर मदद मांगी थी। जुलाई में ही इमरान खान अमेरिका घूमकर लौटे हैं, जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से लंबी बातचीत की थी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की छोटी सी बातचीत पाकिस्तान की लंबी चौड़ी फील्डिंग पर भारी पड़ गई और पाकिस्तान को एक बार फिर फजीहत का सामना करना पड़ा। हर तरफ से मुंह की खा रहा पाकिस्तान भारत के आक्रामक तेवरों से बुरी तरह बौखलाया हुआ और हालत यह है कि अब पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर खुलकर आतंकवाद की पैरवी की जा रही है। तस्लीम शुदे जो हकूक हैं उसके लिए मुजाहमत, उसके लिए आप यानी कि आर्म्ड रेजिस्टेंस भी करें, बंदूक भी उठाएं, तो वो जायज है। पाकिस्तान के सबसे बड़े पत्रकारों में शुमार हामिद मीर के साथ चर्चा में शामिल होकर आतंकवाद की पैरवी करने वाला कोई जिहादी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अशरफ जहांगीर काजी हैं, जो संयुक्त राष्ट्र तक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों की भाषा भी आतंकी सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर वाली हो चुकी है। तस्लीम शुदे जो हकूक हैं उसके लिए मुजाहमत, उसके लिए आप यानी कि आर्म्ड रेजिस्टेंस भी करें, बंदूक भी उठाएं, तो वो जायज है। टीवी पर चल रही इस डिबेट में अब्दुल बासित और शाहिद मलिक भी मौजूद थे। दोनों पाकिस्तानी टीवी पर अक्सर दिखने वाले चेहरे हैं, दोनों ही पूर्व राजनयिक हैं। अब्दुल बासित ने तो खुलकर कश्मीर में आतंकी घुसपैठ कराने का मशवरा दे दिया। जो जद्दोजहद कर रहे हैं कश्मीरी, वो दुनिया के किसी मुल्क से भी मतलब वादे इतने कर रहे हैं, और ये दुनिया का फर्ज है कि उनको उनकी आम स्ट्रगल में मदद करें। डिबेट में शामिल तीसरे मेहमान ने भी आतंकवाद फैलाने पर बाकी दोनों से रजामंदी जता दी। मैं अपने दोनों डिस्टिंग्विश्ड कलीग्स से एग्री करता हूं। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर चली इस डिबेट में आतंकवाद को खुला समर्थन ही नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने पर पाकिस्तान का कबूलनामा भी है। पाकिस्तान ने खुद ही अपनी पोल खोल दी और दुनिया को ये बता दिया कि भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए वो अब तक आतंकियों की घुसपैठ कराता रहा है और आगे भी वो यही करने वाला है। लेकिन पाकिस्तान की ये तिलमिलाहट केवल यही नहीं दिखी, बल्कि ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी आपा खो चुके हैं।
और शायद इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन्हें फटकार लगाने की जरूरत पड़ी। आर्टिकल 370 हटने के बाद पीओके में भाषण दे रहे इमरान खान ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला। ऐसा जहर उगला कि पाकिस्तान का डर दुनिया के सामने आ गया। पाकिस्तानी फौज को पूरी तरह पता है कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है आजाद कश्मीर में एक्शन लेने का। जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट में एक्शन लिया था, उससे भी हमें जो इन्फॉर्मेशन है ज्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है। ऊपर से पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान ने भी पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा दी। बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब राजनाथ सिंह ने ये संकेत दे दिए कि भारत अपनी परमाणु नीति में बदलाव कर सकता है, जिसके जरिए परमाणु बम के फर्स्ट यूज से जुड़े नियम को बदला जा सकता है। यहाँ तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज, ये आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस छोटे से संकेत ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम वाली धमकी देने लायक भी नहीं छोड़ा। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।